हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेरी पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर आपके इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी लिटरेरी पीरियड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहेगी शुरू से एंड तक देखें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स स्टार्ट करते हम अपना आज का टॉपिक एंड फर्स्ट एज है हमारी प्री चौसेरीन पीरियड प्री चौसे पीरियड है जो ये 500 से 1340 का टाइम पीरियड है एंड अगर इसके हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो ये एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है एंड इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं एंड इसके जो फेमस वर्क थे इस एज के बीओ एंड वॉल्डारा इसके फेमस वर्क थे इस टाइम पीरियड के एंड सेकेंड एज के अंदर हम बात करें तो सेकेंड एज है द एज ऑफ चौसर द एज ऑफ चौसर को मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है एंड इसे हिस्टोरिक पीरियड में इसको प्लांटाजेनिट पीरियड भी कहा जाता है एंड मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है इसे एंड इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड थर्टीन फोटी से फिफ्टीन फिफ्टी सेवन का इसका टाइम पीरियड माना गया है एंड मिडल इंग्लिश पीरियड को जो एज ऑफ चौसर है मिडल इंग्लिश पीरियड को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बिफोर चौसर एज ऑफ चौसर एंड आफ्टर चौसर एंड जो चौसर है वो फेमस है अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क द कैंटरवरी टेल्स के लिए एंड इस टाइम पीरियड में द एज ऑफ चौसौ में कुछ इवेंट्स कुछ घटनाएं हुई थी जैसे कि आपकी प्लेग प्लेग हो गया जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है ये हुआ था 1348 से 1349 के टाइम पीरियड के बीच में आपसे एग्जाम में एक काफी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक डेथ को किस और नाम से जानते हैं सॉरी ब्लैक को किस और नाम से जानते हैं ब्लैक डेथ के नाम से एंड इसका टाइम पीरियड क्या है थर्टीन फोर्टी एट से थर्टीन फोर्टी नाइन एंड द हंड्रेड ईयर वॉर भी इसमें हुई थी विद फ्रांस फ्रांस के साथ जो कि वन हंड्रेड सिक्सटीन ईयर्स तक चली थी एक सौ सोलह साल तक तो चली थी एंड अगर नेक्स्ट एज की हम बात करें तो थर्ड एज है हमारी द एज ऑफ शेक्सपियर द एज ऑफ शेक्सपियर का टाइम पीरियड है फिफ्टीन फिफ्टी सेवन से सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव का टाइम पीरियड एज ऑफ शेक्सपियर का शेक्सपियर का माना गया है एंड इसके हिस्टोरिकल पीरियड की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल पीरियड है इसे एलिजाबेथन एज या जैकोबियन एज भी कहा गया है एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज भी इसको कहा गया है एंड शेक्सपियर और मार्लो जो थे वो इसमें कम्स थे रेनेसां में रेनेसा के टाइम पीरियड के थे ये एंड शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड है रेनेसा का पीरियड भी कहा जाता है शेक्सपियर और मार्लो इस टाइम पीरियड के फेमस राइटर थे एंड ये इन्होंने क्या किया था ब्रिटिश एम्पायर को स्टार्ट किया था एंड शेक्सपियर की एज को ही शेक्सपियर की एज को ही हम एलिजाबेथन एज जैकोबियन एज एंड गोल्डन एज के नाम से जानते हैं एंड इसमें टू किंग थे जिनका टाइम पीरियड था क्वीन एलिजाबेथ 1558 से 1603 एंड जेम्स फर्स्ट 1603 से ये दो राजा थे जिनका टाइम पीरियड था एज ऑफ शेक्सपियर के टाइम पीरियड के दौरान ही एंड जो शेक्सपियर है वो फेमस है अपने कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हेमलेट मैकबेथ, ऑथेलो, रोमियो एंड जूलियट के लिए शेक्सपियर को काफ़ी जाना जाता है एंड अगर फोर्थ ऐज की अगर हम बात करें तो फोर्थ ऐज है हमारी द एज ऑफ मिल्टन द एज ऑफ मिल्टन को हम प्यूरिटन ऐज या कैरोलिन ऐज के नाम से भी जानते एंड इसका टाइम पीरियड है 1625 से 1660 का टाइम पीरियड एंड द पीरियड बिटवीन जो ये टाइम पीरियड उस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव एंड सिक्सटीन सेवेंटी सिक्सटीन सिक्सटी के बीच का इसे प्योरिटन एज भी कहा जाता है बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड प्योरिटन स्टैंडर्ड्स प्रिवेल्ड इन इंग्लैंड एंड ऑल्सो सॉरी एंड ऑल्सो बिकॉज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर जॉन मिल्टन वॉज अ प्योरिटन एंड इस एज को प्यिटन या कैरोन एज भी जाना जाता है क्यों क्योंकि जो जॉन मिल्टन थे वो एक Puritan थे एंड जॉन मिल्टन जाने जाते हैं अपने फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट एंड एरोपैक्टिका एंड लिसिडास के लिए ये इनके कुछ काफ़ी फेमस वर्क थे जिनके लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है नेक्स्ट एज आती है हमारे द एज ऑफ ड्रैडन द एज ऑफ ड्रैडन का टाइम पीरियड है सिक्सटीन सिक्सटी से सेवनटीन हंड्रेड एंड इस एज को द एज ऑफ रेस्टोरेशन भी कहा गया है द एज ऑफ ड्रैडन की एज को क्या गया है द एज ऑफ रेस्टोरेशन एंड इस टाइम पीरियड में ड्रैडन की जो एज थी द एज ऑफ ड्रैडन थी या कहें या दे द एज ऑफ रेस्टोरेशन टाइम पीरियड कहें तो इसमें काफ़ी चेंजेस हुए थे पॉलिटिकल एंड सोशल लिटरेरी फील्ड्स में काफ़ी चेंजेस हुए थे पॉलिटिकल एंड सोशल फील्ड में एंड रोमांटिसिज्म राइटर थे सर वॉल्ट स्कॉट उन्होंने जॉन उन्होंने जॉन ड्रैडन को क्या कहा है ग्लोरियस जॉन ये एग्जाम में पूछा जाता है एंड ये क्वेश्चन बनता है ग्लोरियस जॉन किसने कहा है ड्रेडन को तो किसने कहा था सर वॉल्टर स्कॉट ने एंड नेक्स्ट ऐज आती है हमारी द एज ऑफ़ पॉप द एज ऑफ पॉप का टाइम पीरियड है सेवनटीन हंड्रेड से सेवनटीन फोर्टी फाइव का एंड इस एज को अर्ली जॉर्जियन एज भी कहा जाता है द एज ऑफ पॉप को एंड अगस्तन एज भी कहा जाता है इसे बिकॉज पॉप वॉज द डोमिनेटिंग फिगर इन दैट पीरियड इस एज को हम क्या कहते हैं अगस्तन एज भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या थे पॉप जो थे वो डोमिनेटिंग फिगर थे इन दिस पीरियड में एंड एडिशन और स्विफ्ट जो राइटर थे एडिशन स्वीट बट हिज पोइट्री सर्वाइव एज अ मॉडल टू ऑफ दीज टू ऑफ देयर्स एंड इनके कुछ फेमस वर्क हैं द एज पॉप के अलेक्जेंडर पॉप के कुछ फेमस वर्क हैं जिनके लिए उन्हें जाना जाता है पोएम एंड एसे इन क्रिटिसिज्म एंड रेप ऑफ द लॉक एंड द डयार्ड इन वर्क के लिए इन से सॉरी इन वर्कस के लिए अलेक्जेंडर पॉप को सबसे ज़्यादा जाना जाता है नेक्स्ट ऐज आती है हमारी द एज ऑफ जॉनसन द एज ऑफ जॉनसन का टाइम पीरियड है सेवनटीन फोर्टी फाइव से सेवनटीन नाइन्टी एट का एंड इसे मिडिल जॉर्जियन एज भी कहा जाता है एंड द एज ऑफ जॉनसन इज द एज ऑफ जॉनसन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स पोइट्री इज़ एन एज ऑफ मॉडर्निज इनोवेशन सॉरी जो द एज ऑफ जॉनसन की एज है वो क्या है मॉडर्निज्म ट्रांजिशन एंड इनोवेशन की एज माना गया है इसे एंड इसे मिडिल जॉर्जियन एज भी कहा गया है एंड इसके जो फेमस वर्क थे सैमुअल जॉनसन के जो फेमस वर्क थे वो थे अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जिसके लिए सबसे ज़्यादा सैमुअल जॉनसन को जाना जाता है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एंड नेक्स्ट वर्क नेक्स्ट एज आती है हमारी एज ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑफ़्स वर्थ सेवनटीन 1798 एट से एटीन थर्टी टू का टाइम पीरियड है एंड इसका हिस्टोरिक पीरियड है लेटर जॉर्जियन एज एंड जो एज ऑफ वर्ड्स वर्थ है इसे इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे ये वर्ड्स वर्थ क्या थे एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे विथ सेमी टेलर कॉलरिज की हेल्प से उन्होंने क्या किया रोमांटिसिज्म एज को इन इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस कराया एंड सैमुअल टेलर ने एंड वर्ड्सवर्थ ने एक मिलकर कोलाब्रेशन वर्क किया था जिसका नाम था लिरिकल बैलेड जो कि उन्होंने 1798 में पब्लिश किया था एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के टाइम पीरियड में ही वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर ने कोलाब्रेशन से एक वर्क पब्लिश कराया था जॉइंट वर्क था उनका लिरिकल बैलेड सेवनटीन में पब्लिश हुआ था वो एंड जो वर्ड्स वर्थ है सबसे जाना ज्यादा सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं द प्रिलूड एंड टिंटन एबी के लिए नेक्स्ट एज आती है हमारी एज ऑफ टेनिसन एज ऑफ टेनिसन का टाइम पीरियड है 1832 से 1887 का एंड इस एज को हम क्या कहते हैं विक्टोरियन एज भी कहते हैं एंड एज ऑफ टेनिसन की जो एज है उसे क्या कहते हैं विक्टोरियन एज एंड टेनिसन क्या थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ विक्टोरियन पोइट्री लॉरियटशिप इनको जो लॉरियटशिप मिली थी 14 ईयर्स की एज में मिली थी एंड ये फेमस थे किसके लिए इन मेमोर के लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है एंड इनके कुछ अदर फेमस वर्क थे मोट द आर्थर एंड ह्युलेसिस एंड नेक्स्ट इज कि अगर हम बात करें तो लास्ट एज आती है हमारी द एज ऑफ हार्डी इसका टाइम पीरियड था 1887 से 1928 इसके इसको क्या कहा है हार्डी के एज को द मॉडर्न एज हार्डी के एज को क्या कहा है द मॉडर्न एज हार्डी के कुछ फेमस वर्क्स थे द मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज एंड जूड द ऑब्सिक्योर जिनके लिए हार्डी को सबसे जाना 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 जाता है ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स आपके लाइक एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें गुड डे टेक केयर बाय बाय फ्रेंड्स